हेलो स्टूडेंट्स, तो इसके पहले क्लास में हम लोगों ने देखा कि किसी भी करंट कैरिंग वायर को यदि मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उस पर फोर्स कितना लगेगा। तो उसमें मैंने टाइप डिवाइड किया था। तो मैंने पहला टाइप ये था कि इफ़ ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो क्या होगा। मैंने यहाँ लिखा भी है, थोड़ा रिवीजन कर लें कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन स्ट्रेट वायर प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन एज क्या होगा, FM इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। एल क्या है, लेंथ ऑफ द क्या है वायर, एंड बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड। तो दूसरा हमने देखा था कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर ऑफ एनी शेप, किसी भी शेप का होगा, तो हमने उसमें एक L इफेक्टिव टर्म यूज किया था, इफेक्टिव लेंथ टर्म, है ना। और मैंने इसको प्रूव भी किया था कि कैसे आता है। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर ऑफ एनी शेप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होगा, आई एल इफेक्टिव क्रॉस क्या होगा बी। इफेक्टिव लेंथ क्या होगा, इफेक्टिव लेंथ वेक्टर क्या होगा, वेक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट टू द क्या होगा, वन एंड टू द क्या होगा, अदर एंड ऑफ द करंट कैरिंग वायर क्या होगा, वन एंड टू द क्या होगा, अदर एंड। उसके बाद हमने देखा था कि थर्ड जो टाइप था क्या है कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन क्या होगा, करंट कैरिंग क्लोज लूप। तो व्हेन एवर करंट कैरिंग क्लोज लूप इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्या होगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन मैग्नेटिक फोर्स विल बी ऑलवेज क्या होगा जीरो। क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स जब कभी भी आप किसी भी क्लोज करंट कैरिंग लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, उस पर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, है ना। नेट मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें फोर्स क्या होगा, क्या होगा, जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो क्या होगा, कुछ शेप गेन करेगा, है ना। जैसे मैंने एक क्वेश्चन भी आपको दिया, तो वहां आपको ये ध्यान रखना है कि व्हेन एवर ए करंट कैरिंग क्लोज लूप ऑफ एनी शेप इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द नेट फोर्स ऑन द लूप विल बी ऑलवेज जीरो। क्या होगा, नेट फोर्स ऑन द लूप विल बी क्या होगा, ऑलवेज जीरो। इसके बाद मैंने एक आप लोगों को न्यूमेरिकल दिया था, जो मैंने बोला था कि जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, तो उसको हम देखेंगे, है ना। ये होमवर्क का जो न्यूमेरिकल था उसको हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है, कि कैसे कैलकुलेट। तो क्वेश्चन आप लोगों को मालूम है कि देखो ये होमवर्क वाला क्वेश्चन है, मैं डिस्कस कर देता हूं, है ना। क्या था कि दो मैग्नेटिक फील्ड, क्या है, एक वायर ऑफ एनी शेप, ठीक है, करंट ऐसे फ्लो, ठीक है, करंट आई, इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो किधर है, डायरेक्टेड इनटू द क्या है, बोर्ड है, रखा गया है, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये फिगर है, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है आई, इसका लेंथ हमने माना था क्या एल, मान लिया था, है ना। एक फिगर ए है, दूसरा फिगर देखो समझना है, दूसरा फिगर इधर देखोगे किसी भी शेप का मैंने एक रख दिया है, किसी भी शेप का हमने इसको कंसीडर किया, इरेगुलर शेप। यहां भी क्या है करंट, आप ऐसे समझ लो कि यहां भी क्या है करंट ऐसे है ना, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है आउटवर्ड है, पता नहीं आउटवर्ड या इनवर्ड कंसीडर किया था, लेकिन तुम समझ जाओ कि या ऐसे हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, या हमने आउटवर्ड मान लिया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, देखना ध्यान देना है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या है आउटवर्ड है, ठीक है, ए फिगर में, यहां भी करंट क्या है आई फ्लो रहा है लूप में, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या है आउट ऑफ द बोर्ड है। तो आपको देखना है कि किसमें एक क्या होगा, एक केस में क्या होगा, ये जो लूप जो होगा वो क्या होगा इस सर्कुलर लूप में कन्वर्ट, इरेगुलर शेप जो होगा ये क्या हो जाएगा सर्कुलर लूप में क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो इस पे ध्यान से देखोगे तो इस केस में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है,
तो इधर जो होगा मैग्नेटिक फोर्स ईच एंड एवरी पार्ट पे क्या होगा देखोगे तो किधर लाएगा, आउटवर्ड लाएगा। FM मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड लाएगा। ठीक है, अलवेज क्या होगा, आउटवर्ड लाएगा। हर पार्ट पे आप कंसीडर करोगे, समझ में आया ना, तो किधर लाएगा, बाहर की तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स लाएगा। और इसके वजह से क्या होगा, इसके शेप में क्या होगा, चेंज होगा, स्ट्रेच हो जाएगा। और कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, ये सर्कल में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इस केस में आप देखोगे, इस केस में तो मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो क्या होगा, अंदर की तरफ लाएगा। किधर होगा, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, वायर के परपेंडिकुलर, हमेशा ध्यान देना है, है ना, क्या किधर लाएगा, अंदर। ये क्या हुआ FM। इस केस में क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, आउटवर्ड लाएगा। और इस केस में क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, अंदर के तरफ क्या होगा, लगेगा। तो ये वाला जो होगा ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट सर्कल में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो यहां लिख सकते हैं इन फिगर क्या होगा, इन फिगर क्या होगा, फिगर ए मैग्नेटिक फोर्स ऑन ईच मैग्नेटिक फोर्स एट लिख सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द लूप एक्ट outward, hence the irregular shape current carrying loop, hence irregular shape current carrying loop, current carrying क्या होगा loop, will be converted into क्या होगा, into circular current carrying क्या होगा, इस circular loop में क्या हो जाएगा, convert हो जाएगा। ऐसे देखो ध्यान से, ऐसे क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे। यही क्या होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। समझ में आया ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये ध्यान देना, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर लूप में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ हर जगह मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो क्या होगा, रेडियली क्या होगा, आउटवर्ड लगेगा। रेडियली हर जगह क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड लग रहा है। समझ में आया ना, ये बात आपको क्या है, ध्यान देना है। तो इस शेप में क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। नेट फोर्स क्या है, अभी भी जीरो है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर पार्ट पे फोर्स नहीं लग रहा है, सभी पार्ट पे क्या है, फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो इस शेप में क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस शेप में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ ये फर्स्ट पार्ट था, है ना। अब कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फोर्स क्या होगा, हर पार्ट पे क्या होगा, टेंशन फोर्स लगेगा, है ना। और सिंस वायर क्या है, मासलेस है, इसलिए टेंशन फोर्स होगा ईच एंड एवरी पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा। तो इसको दो तरह से हम सोच सकते हैं कि टेंशन, हम इसमें वायर में हम टेंशन कैसे कैलकुलेट करें, उसको अभी हम देखेंगे। बी फिगर में क्या है, ये आपको समझ में आया। तो ये भी कभी कभी पूछा जाएगा कि यदि इरेगुलर शेप का, है ना, कोई भी करंट कैरिंग लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उसका क्या होगा। तो यदि इस टाइप का है, फोर्स रेडियली फोर्स आउटवर्ड लग रहा है तो सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि फोर्स क्या है, इनवर्ड लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, पॉइंट सर्कल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पॉइंट में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बी में लिखना है, फिर हम आते हैं कि इस पे हम, चलो टेंशन भी हम क्या करें, कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ क्या होगा, एक इधर हो जाएगा इनवर्ड। यहाँ मैं लिख देता हूँ बी में, यहाँ कि क्या होगा, इन फिगर क्या हो जाएगा, फिगर बी, ठीक है, मैग्नेटिक
फोर्स ऑन ईच पार्ट ऑफ द क्या होगा ऑफ द वायर एक्ट इनवर्ड हेंस द वायर विल बिकम ए पॉइंट बेसिकली क्या हो जाएगा पॉइंट सर्कल वायर विल बिकम ए पॉइंट सर्कल आई मीन क्या हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा इसमें क्या होगा इसमें एक्सपांड होगा है ना और इसमें क्या हो जाएगा हेंस क्या हो जाएगा वायर जो होगा वो क्या होगा कन्वर्ट हो जाएगा एंड द वायर विल बी इन द पॉइंट सर्कल फॉर्म और यहाँ क्या हो जाएगा इसलिए इसमें टेंशन क्या हो जाएगा इसमें टेंशन जो होगा वो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ही हेंस टेंशन इज क्या होगा ठीक है ये आपको ध्यान देना है अब इसमें आपसे पूछा गया है कि टेंशन कितना होगा तो क्या लूप विल कन्वर्टेड इनटू क्या होगा सर्कुलर कैरिंग करंट कैरिंग वायर और यहां क्या होगा एंड देयर विल बी क्या होगा विल बी टेंशन फोर्स एट ईच एंड क्या होगा ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द क्या होगा वायर ठीक है इसमें टेंशन होगा लेकिन इसमें टेंशन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा अब हम कैलकुलेट कैसे करेंगे टेंशन उसको देखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट ठीक है तो अब हम टेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको देखेंगे तो अगला जो इसमें मैं लिख देता हूं कैलकुलेशन ऑफ क्या होगा कैलकुलेशन ऑफ टेंशन अब हम क्या करेंगे देखो टेंशन कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे वायर को डायमेट्रिकली दो पार्ट्स में हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे देखो ध्यान से ऐसे और एक क्या हुआ ऐसे देखो ध्यान से ठीक है ऐसे यहां थोड़ा और हटा देता हूं कि आपको समझ में आ जाए दो पार्ट यहां देखो यहां भी क्या है इधर टेंशन लग गया देखो इसमें मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा है आउटर लग रहा है तो इधर भी टेंशन लगेगा और इधर भी क्या होगा टेंशन लगेगा उसी तरह इधर भी देखोगे तो टेंशन और लोअर पार्ट पे भी क्या होगा टेंशन हमने क्या किया इस वायर को क्या किया दो पार्ट्स में क्या किया ब्रेक कर दिया कैलकुलेट क्योंकि टेंशन इंटरनल फोर्स है यार तो दूसरा कोई अपना वे नहीं है दूसरा वे एक और है लेकिन हम उतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करेंगे यार कि एक छोटा एलिमेंट कंसीडर करो उस पर फोर्स कंसीडर करो जैसा कि हमने देखा है कि जब क्या होगा एक मेटालिक वायर को हम रोटेट करते हैं तो उसमें क्या होता है टेंशन क्रिएट होता है और वो कितना होता है उसको हमने कैलकुलेट किया था ठीक है तो यहाँ हम क्या देखेंगे देखो अब इस पे मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा अपर वाले पार्ट पे किधर लगेगा FM और इधर भी देखोगे तो क्या होगा नीचे FM लगेगा तो कोई एक पार्ट कंसीडर कर लो तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा यदि इस वायर का यदि रेडियस क्या है आर है और आर इक्वल टू लिख सकते हैं देखो 2πr इक्वल टू क्या होगा एल है ना तो आर इक्वल टू क्या होगा एल अपॉन क्या हो जाएगा 2π तो मैंने बताया था कि कर्व वायर है तो क्या करेंगे इसको इफेक्टिव लेंथ से क्या करेंगे रिप्लेस तो इस पे कोई भी पार्ट अपर पार्ट कंसीडर कर लो तो यहां लिख देता हूं कंसीडर क्या होगा कंसीडर अपर पार्ट अब जब कंसीडर कर लिए देखो यही है ना इधर टेंशन फोर्स लग रहा है इधर भी क्या है टेंशन और इधर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है FM और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा आपको मालूम है देखो तो ऊपर मैग्नेटिक फोर्स नीचे क्या होगा 2 टेंशन और ये वायर क्या है इक्विलिब्रियम में है तो हम लिख सकते हैं FM इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2T ठीक है और FM कितना होगा इफेक्टिव लेंथ कितना हो जाएगा 2R हो जाएगा यही इफेक्टिव लेंथ हो जाएगा ना यार
है ना, तो ये कितना हो जाएगा, टू आर आई बी इंटू टू टी इक्वल टू टू टी, ये कैंसिल हो गया, तो टी इज इक्वल टू क्या होगा, आई आर बी इज इक्वल टू क्या होगा, एल अपॉन क्या होगा, एल आई बी अपॉन क्या हो गया, टू पाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। कि टेंशन आपसे डायरेक्ट आईआईटी का हुआ क्वेश्चन है कि टेंशन क्या होगा, आप उसको कैसे कैलकुलेट करोगे आपको मालूम होना चाहिए। तो टेंशन यहां क्या हुआ, आई आर बी, देखो क्या है, जब भी आपको टेंशन कैलकुलेट करना है, क्योंकि क्लोज लूप है यार, तो नेट मैग्नेटिक फोर्स भी क्या है, जीरो है, और आप नेट टेंशन फोर्स, क्योंकि टेंशन फोर्स इंटरनल है, तो टेंशन फोर्स भी क्या होगा, जीरो होगा। तो आप किसी एक पार्ट को क्या करो, कंसीडर कर लो। तो हमने आसानी के लिए हमने क्या किया, इसको दो पार्ट में डायमेट्रिकली दो इक्वल पार्ट्स में क्या किया, डिवाइड कर दिया। और देखो यहां भी टेंशन है, यहां भी टेंशन, यदि ये टेंशन नहीं होता तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहता, अपर पार्ट लोअर पार्ट। आपने पढ़ा है कि कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम तभी रहता है जब उसका हर पार्ट क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो। इसका मतलब क्या है, वायर जो है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, रोटेशनल की मैं बात नहीं कर रहा हूं अभी, रोटेशनल में हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, वो टॉर्क जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो ये क्या है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पे, इसके हर पार्ट पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, फोर्स बैलेंस होना चाहिए और नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो इधर एफएम लग रहा है, इसका मतलब यहां क्या है, यहां टेंशन लग रहा होगा, यहां फिर जब ज्वाइन करोगे तो टेंशन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो और नेट फोर्स भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स। तो टेंशन इज अपर पार्ट को हमने कंसीडर किया, और सिंस अपर पार्ट इज इन इक्विलिब्रियम, देयरफॉर नेट मैग्नेट मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इनटू टेंशन फोर्स, और यहां से हमने टेंशन कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद जो क्वेश्चन था वो क्या था, कि आपसे ये पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, कि स्ट्रेन कैलकुलेट करो, क्या कैलकुलेट करो, स्ट्रेन। और इसमें आपसे कोई पूछे कि कौन सा स्ट्रेन होगा, कंप्रेसिव और क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेन होगा, क्या होगा, टेंसाइल, ठीक है, क्योंकि टेंशन हो रहा है, तो स्ट्रेन, स्ट्रेन या स्ट्रेस जो होगा वो क्या होगा, टेंसाइल। तो स्ट्रेस कितना होगा, देखो स्ट्रेस टेंसाइल, टेंसाइल स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होगा, टेंशन फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। उसी तरह क्या होगा, अब टेंसाइल स्ट्रेन निकालना होगा, टेंसाइल स्ट्रेन है ना, ये कितना होगा, डेल्टा एल अपॉन एल, और इसको हमने पढ़ा भी था कि डेल्टा आर अपॉन क्या होता है, आर भी होता है, ठीक है। तो ये कितना होगा, कितना होगा, देखो तो, अरे टेंसाइल आई मीन दिस विल बी इक्वल टू क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन क्या होगा, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यही होगा ना। यहां से वैल्यू रख दो तो डेल्टा एल अपॉन एल इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन आर, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेस होता है ना यार, डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल टू क्या होगा, टी अपॉन, और टी का वैल्यू रख दो यहां से, तो आई आर बी अपॉन ए, और इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा एल अपॉन एल इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल टू टी अपॉन, ठीक है, इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, आई एल बी, आई एल बी अपॉन टू पाई, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, ये ध्यान देना है, ये मैंने ये आया हुआ नहीं है, लेकिन इसमें ये क्वेश्चन भी बनता है, तो आपको क्या करना है, इस पर ध्यान देना है, ठीक है, क्या है, ध्यान देना है। उसके बाद है ना, तो ये क्वेश्चन, इसके बाद हम देखेंगे कि
भी क्या है क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम, इसके बाद फिर दूसरा एक एग्जांपल देखो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि यहां क्या है। देखो इंक्लाइन प्लेन से रिलेटेड क्वेश्चन है और आपको ये समझना है कि ये क्या है, करंट कैरिंग वायर ऑफ क्या होगा लेंथ, क्या होगा करंट कैरिंग वायर ऑफ लेंथ एल इज प्लेस्ड ऑन द इंक्लाइन प्लेन। अब है ना, तो ये क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, ए करंट कैरिंग वायर ऑफ लेंथ एल एंड मास एम इज प्लेस्ड ऑन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा एज शोन इन द फिगर बिलो। इफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देखो क्या है, ऐसे ही क्या है, देखो अब मैं ऐसे पॉइंट बेसिकली ऐसे डायग्राम होगा, आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना होगा क्योंकि मेरा ड्राइंग जो है उतना ये नहीं है, है ना। तो ऐसे कुछ है ना, यही क्या है इंक्लाइन प्लेन, ये इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, और ये मैग इंक्लाइनेशन दिया हुआ है और इस पर क्या है एक करंट कैरिंग वायर रखा गया है, करंट कैरिंग वायर। इसमें करंट जो है वो कैसे फ्लो हो रहा है इसका बस ये देख लो, उसके बाद मैं इसका डायग्राम इधर ड्रॉ कर देता हूँ ज़्यादा अच्छे से। इधर करंट फ्लो हो रहा है ना, इसको ऐसे आप सोच सकते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आगे भी हम पढ़ेंगे इसको, हम ऐसे इसका एक वैलेंट डायग्राम मैं ड्रॉ कर देता हूँ कि यही क्या है इंक्लाइन प्लेन है ना। इसको हमने क्या किया, यहाँ एक पॉइंट की तरफ कंसीडर कर लिया करंट कैरिंग वायर, ठीक है, या ऐसे कंसीडर कर लो इसको, क्यों, क्योंकि ऐसे, ठीक है, सॉरी आई ऐसे मान लो। अब आपसे कई क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है, पहले देखना कि हम मैग्नेटिक फोर्स कैसे लिखें, ठीक है। बिलो एज शोन इन द फिगर बिलो, इफ देखो यहां क्या है, इफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज स्विच ऑन, ये में क्या है स्विच ऑन, ठीक है, क्या है स्विच ऑन वर्टिकली, ये में क्या है वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, और बी में क्या है अपवर्ड परपेंडिकुलर टू द क्या होगा इंक्लाइन प्लेन, अपवर्ड नॉर्मल टू द इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, समझ में आया ना। फाइंड द मास है ना, तो अब केवल ये तो आपको क्या करना है, फाइंड द क्या होगा मैग्नेटिक फोर्स इन ईच केसेस, ठीक है,
समझ में आया क्या कि क्या है? इंक्लाइन प्लेन है। इंक्लाइन प्लेन तुम लोगों को मालूम है, यही होता है। यहाँ थोड़ा डायग्राम ऐसे इंक्लाइन प्लेन हुआ है ना, इस पे क्या है, एक वायर ऐसे रख दिया गया है, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ना इधर, और आपको क्या करना है, इस पे मैग्नेटिक फोर्स क्या करना है, लिखना है, ठीक है। और मैग्नेटिक फोर्स लिखना है, ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द, क्या होगा वैल्यू ऑफ मास, सो दैट द क्या होगा, वायर विल बी इन द इक्विलिब्रियम। तो ऐसे भी हम क्वेश्चन लिख सकते हैं। बाद में इसी क्वेश्चन में क्या होगा, यदि होमवर्क दे दूंगा कि यदि क्या होगा, इंक्लाइन प्लेन क्या होगा, रफ होगा, तो फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इन केस ए, इन फिगर ए, एंड क्या होगा, इन केस ए एंड बी, ठीक है। तो यहाँ मैं ये आपको बता देता हूँ कि क्या होगा और किस में इक्विलिब्रियम में रहेगा, ये भी देखना है कि इक्विलिब्रियम में किस में रहेगा और किस में नहीं भी रहेगा। कोई जरूरी नहीं है कि हर केस में क्या होगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। ऑलवेज याद रखना है कि मैग्नेटिक फोर्स जो होगा क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, लेंथ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, या जिस प्लेन में है उस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये हमेशा आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है कि उस प्लेन पे क्या होगा, आई मीन लेंथ पे क्या होगा और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पे क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, आई एल क्रॉस क्या होता है, बी होता है, ठीक है। तो यही क्या हुआ, करंट कैरिंग वायर है, ठीक है। यहां मैंने इसको जस्ट एक पॉइंट के रूप में दिखाया है कि आपको समझ में आ जाए। तो पहले केस में क्या है, तो यहां हम लिख लें फाइंड मैग्नेटिक फोर्स इन केस, क्या होगा, फाइंड मैग्नेटिक फोर्स इन, क्या होगा, इन केस, ये मैं लिखता हूं, देन फाइंड मैग्नेटिक फोर्स इन केस ए एंड बी, बी में क्या होगा, इन विच केस, इन विच केस ए एंड बी वायर करंट कैरिंग वायर मे बी इन इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, किस केस में हो सकता है, किस केस में हो सकता है, आपको ही मालूम है, ठीक है, कि अब किस इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, नेट फोर्स क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, देखो मैं ये वाला डायग्राम, करंट आपको समझ में आया ना कि करंट कैसे फ्लो हो रहा है, मैं बुक से बताता हूं आपको तो ज्यादा क्लियर होगा। तो यही हमने, देखो ध्यान से, यही क्या है, अब मैं सॉल्यूशन बताता हूं। फर्स्ट केस में क्या किया गया है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वर्टिकली अपवर्ड क्या किया गया है, स्विच ऑन किया गया है। यही देखो, यही क्या है, इंक्लाइन प्लेन है, और इंक्लाइन प्लेन क्या है, रफ है, ठीक है। तो पहले इस पे एमजी जो होगा, एमजी किधर लगेगा, यही क्या होगा, एमजी डाउनवर्ड लगेगा और इधर नॉर्मल लगेगा। देखो इधर यदि एफबीडी ड्रॉ करो तो नॉर्मल फोर्स लगेगा यार, इधर क्या लगेगा, एमजी कॉस थीटा लगेगा, और इधर क्या लगेगा, एमजी क्या होगा, एमजी साइन थीटा लगेगा, ठीक है। ये एंगल क्या है, थीटा है। करंट आपको समझ में आ रहा है, देखो ध्यान से कि करंट किधर दिया हुआ है, देखो यहाँ ऐसे समझोगे तो ज्यादा समझ में आए। यही समझो क्या है, ये क्या है, यही वायर है, देखो ध्यान से, ये वायर है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वर्टिकली क्या है, अपवर्ड है, क्या है, वर्टिकल क्या है, अपवर्ड है, यही है ना। देखो ऐसे ये इंक्लाइन प्लेन है ना, और इस पर करंट कैरिंग, ये वाला जो एरो है करंट का डायरेक्शन ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अपवर्ड है। तो आप मुझे बता सकते हो कि मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, कैसे फिगर आउट करोगे, मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगेगा, देखो कैसे लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, जबकि देखो यहां करंट का डायरेक्शन कैसे है, मैं आपको बता रहा हूं, करंट का डायरेक्शन क्या है, ऐसे ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कैसे, ऐसे ऐसे ही है ना, ये इंक्लाइन प्लेन हुआ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे है, वर्टिकल अपवर्ड है, अपवर्ड। तो मैग्नेटिक फोर्स देखोगे तो कैसे लगेगा, बता सकते हो कि मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगेगा, दो ही तरह लग सकता है, एक क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर लग सकता है, और क्या होगा,
मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर लग सकता है, और क्या होगा इसके, क्या हो सकता है, परपेंडिकुलर लग सकता है और इंक्लाइन प्लेन के, और क्या हो सकता है दूसरा, क्या हो सकता है इंक्लाइन प्लेन के, क्या हो सकता है आई मीन होरिजेंटल भी लग सकता है। तो आप कैसे सोचोगे इस केस में क्या होगा मैग्नेटिक फोर्स, डायरेक्शन ही समझना है आपको। अभी यहां देखो यही क्या है, इंक्लाइन प्लेन है, देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, वर्टिकल अपवर्ड है, क्या है वर्टिकल अपवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फोर्स तो ऑलवेज क्या होगा यार, क्या, क्योंकि वायर पे भी क्या होगा मैग्नेटिक फोर्स, जो ऑलवेज क्या होगा आई एल बी ही होगा, क्या होगा आई एल बी होगा, समझ में आया ना, क्या होगा आई एल बी होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा आई एल बी, लेकिन डायरेक्शन क्या क्या होगा बता सकते हो, डायरेक्शन क्या होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा इमेजिन करो, देखो फिर से मैं बताता हूं फिर तुमको, यही क्या है इंक्लाइन प्लेन है और एक करंट है ना, देखो ध्यान से, एक करंट है और एक क्या है वर्टिकल अपवर्ड क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो किधर लगेगा उसका डायरेक्शन यही आपको क्या करना है बताना है। कभी कभी क्या है ये भी पूछा जाए कि इक्विलिब्रियम में है तो करंट कितना होगा, तो आप उसको कैसे बताओगे। यदि ये क्या होता, यदि ये हॉरिजॉन्टल होता, जैसे तुम ऐसे सोचो, देखो थोड़ा सा इमेजिन करोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा, मैं अब ऐसे बता रहा हूँ, देखो क्या है यहाँ ऐसे रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है अपवर्ड है यार, है ना, तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, देखो तो किधर लगेगा, अरे मैग्नेटिक फोर्स करंट ऐसे जा रहा है और देखो ऐसे ऐसे है ना, ऐसे करंट का डायरेक्शन क्या है ऐसे है, तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। अब इसको टिल्ट करते जाओ यार, टिल्ट करते जाओ, इधर टिल्ट करते जाओ, है ना, जैसे जैसे टिल्ट करोगे तो ये मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा यार, इसी इसके प्लेन में ही लाई करेगा, है ना, कैसे लाई करेगा ऐसे, ठीक है। यहां जब मैग्नेटिक फोर्स आप लिखोगे, अभी मैग्नेटिक फोर्स ऐसे है, अब हमने क्या किया इसको टिल्ट कर दिया ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड तो ऊपर ही है यार ऐसे, तो यहां इस केस में क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, याद रखना है, समझ में आया ना, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज क्या होगा आई एल बी लगेगा, लेकिन इसमें केस में क्या हो जाएगा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा आप सोचोगे यहां जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो किधर लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो किधर लगेगा, इधर लगेगा, इधर लगेगा, इधर लगेगा, ये हॉरिजॉन्टल लगेगा, ठीक है, है ना। तो ये क्या होगा, यहां क्या लगेगा आई एल बी, इधर लगेगा मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज क्या होगा आई एल बी लगेगा, ठीक है। तो ये आई बी एल बी, अभी क्या हुआ आई एल बी इधर क्या हो जाएगा आई एल बी क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और यदि ये रॉड इक्विलिब्रियम में है, आई मीन करंट कैरिंग वायर इक्विलिब्रियम में है, तो यहां हम बोल सकते हैं कि आई एल बी कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा एम जी साइन थीटा, है ना। तो आई आई इज इक्वल टू क्या होगा एम जी टेन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा एम जी टेन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा एल इंटू क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ये पॉसिबल है, ठीक है। इस केस में क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो क्या होगा हॉरिजॉन्टल रहेगा, ठीक है। केस कब केस में, जब क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वर्टिकल अपवर्ड होगा। तो यहां क्या है चांसेस है कि इस केस में क्या हो जाए, ये जो वायर है वो इक्विलिब्रियम में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, कब रह सकता है आपको ही मालूम है कि यदि आई एल बी कॉस थीटा से एम जी साइन थीटा ज्यादा हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा स्लाइड कर जाएगा, ठीक है। दूसरा केस क्या है कि यदि इसके मैग्नेटिक फील्ड जो होगा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा क्या होगा इसके परपेंडिकुलर होगा इंक्लाइन प्लेन के, तो मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो क्या होगा इंक्लाइन प्लेन में ही क्या होगा लाई करेगा, ठीक है, क्या होगा इंक्लाइन प्लेन में ही लाई करेगा। तो एक पॉइंट मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो ये खुद से ट्राई करोगे तुम तो ज्यादा समझ में आ जाएगा, एल क्रॉस बी से चेक करोगे तो तुमको मैग्नेटिक फोर्स समझ में आएगा। तो पहले केस में आपको दोनों केस में चांसेस हैं कि दोनों केस में चांसेस हैं कि क्या होगा रॉड जो होगा वो क्या होगा आई मीन करंट कैरिंग वायर इक्विलिब्रियम में हो सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स दोनों केस में क्या होगा अपोजिट, एम जी साइन थीटा के क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। एक क्या होगा, एक क्या होगा कि जब क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर होगा
तो मैग्नेटिक फोर्स जो होगा हॉरिजॉन्टल रहेगा, ये दो पॉइंट माइंड में रखना। और ये क्या होगा, जब इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर होगा तो मैग्नेटिक फोर्स जो होगा इंक्लाइन प्लेन के अलोंग रहेगा। दो पॉइंट तुमको माइंड में रखना है। फिर जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे तो वहां भी ये कॉन्सेप्ट मैं तुमको बताऊंगा, ठीक है। तो यहां तो दूसरे केस में क्या है, व्हेन क्या होगा, तो ये फर्स्ट केस है कि व्हेन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज क्या है, परपेंडिकुलर टू द क्या होगा, यहां मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इंक्लाइन प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। सेकेंड केस क्या है कि व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज क्या होगा, व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकली अपवर्ड, है ना। केस बी में क्या है कि व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज क्या होगा, नॉर्मल टू द इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। तो जब इंक्लाइन प्लेन के क्या होगा, नॉर्मल होगा, आई मीन यही इंक्लाइन प्लेन है, और देखो ये थीटा है, और यहाँ ये मैं डॉट्स बता देता हूँ कि ये क्या है, करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। तो इस केस में मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो क्या होगा, अगेन जब आप इसका एबीडी ड्रॉ करोगे तो एबीडी ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, ये इंक्लाइन प्लेन पे क्या होगा, नॉर्मल, दिस इज एम जी, है ना, मैंने डायरेक्टली लिख देता हूँ, दिस इज क्या होगा एम जी कॉस थीटा, दिस इज नथिंग बट द क्या होगा एम जी साइन थीटा, है ना। और अपकोर्स क्या होगा, इक्विलिब्रियम में है। अब देखो यहाँ मैग्नेटिक फोर्स किधर लाएगा, एफ एम जो होगा वो क्या होगा, इंक्लाइन प्लेन के, तो यहाँ एफ एम इक्वल टू क्या होगा, दोनों केस में आई एल बी होगा, आई एल बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, एम जी साइन थीटा अपॉन क्या होगा, एल बी होगा। तो ये चीज ध्यान देना है कि जब भी दो पॉइंट याद कर लेना कि व्हेन क्या होगा, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड, मैं दो पॉइंट नोट में लिख देता हूँ आपको माइंड में रखने के लिए। तो देखो ये क्या है, आपको ध्यान रखना है कि आई जो होगा एम जी साइन थीटा अपॉन क्या होगा, एल बी होगा। इस केस में क्या होगा, आई इक्वल टू क्या होगा, एम जी टेन थीटा अपॉन क्या होगा, एल बी होगा। कोई भी बुक देखोगे तो उसमें आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। तो अब यहाँ नोट में हम क्या लिखेंगे, आपका होमवर्क क्या है कि अभी हमने क्या किया, सरफेस को क्या कंसिडर किया, स्मूथ कंसिडर किया। तो मैं होमवर्क देता हूँ, आप खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है, कि इफ इंक्लाइन प्लेन इज क्या होगा, रफ, इन प्रीवियस क्वेश्चन देन क्या है, देन फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, देन फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इन केस ए एंड बी व्हेन क्या होगा, व्हेन वायर, आई मीन करंट कैरिंग वायर इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये ध्यान देना। अब हम मैं यहां नोट में लिख देता हूं, ये होमवर्क है, ये ट्राई कर लेना तुम लोग, है ना, ऐसे ट्राई तो करते नहीं हो लेकिन कर लेना। तो यहां मैं लिखता हूं नोट में, क्या लिखता हूं, दो पॉइंट लिखता हूं कि व्हेन मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकली क्या होगा, वर्टिकली अपवर्ड ऑन द इंक्लाइन प्लेन, देन मैग्नेटिक फोर्स
मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, देन मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर placed on will be क्या होगा, will be horizontal, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है लिख लेना है कि if magnetic field is normal to the incline, normal to the incline plane, then magnetic force will be along incline plane, याद रखना, along incline plane, ठीक है। क्या होगा, along incline, और बहुत सारे numericals हैं, तो आप जब book solve करोगे तो उसमें मिलेगा। अभी हम क्या पढ़ेंगे कि magnetic force on the current carrying straight wire placed in non-uniform magnetic field, हम पढ़ेंगे कि magnetic force on current carrying wire इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये दो पॉइंट याद रखना और फिर ये क्वेश्चन ट्राई करना खुद से। इसमें क्या करना है, एक फ्रिक्शन आपको एडिशनल फ्रिक्शन फोर्स आएगा उसको कंसीडर कर लेना है और फिर आंसर आ जाएगा। बस ये क्या हुआ, NLM न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जो हम पढ़े हैं उसके पूरे कॉन्सेप्ट यहाँ हम देखेंगे, आपको मिलेगा। तो ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या, तो क्या क्या हमने पढ़ा था कि टाइप क्या है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 में हम क्या पढ़ेंगे, टाइप 5 मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर placed in non-uniform magnetic field, ठीक है। करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर लिखना, पहले हम स्ट्रेट वायर पढ़ेंगे, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, ठीक है। स्ट्रेट वायर placed in non-uniform magnetic field, ठीक है, या magnetic force in non-uniform magnetic field। अब इसमें क्या होगा, देखो ध्यान से कि पहला जो एग्जाम्पल है, देखो यहाँ एग्जाम्पल हम ये इसमें एग्जाम्पल ही है, दूसरा क्या है, अब डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे मैग्नेटिक फोर्स का, यहाँ फॉर्मूला क्या होगा यार, एफ एम इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन आई बी आई डी एल क्रॉस क्या होगा बी, ठीक है, और इंटीग्रेट कर देंगे ओवर द लेंथ, ठीक है, यही रिजल्ट अपने को यूज करना है, ठीक है, क्या है यही रिजल्ट, क्या करना है अपने को यूज करना है, क्या करना है, यदि मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म दिया हुआ है देन इट्स ओके, नहीं दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड लिखना है और फिर करंट कैरिंग वायर पे आप करंट एलिमेंट कंसीडर करो और फिर क्या करो, आंसर लिखो। तो जैसे पहला एक एग्जांपल देखो, देखो क्या है एग्जांपल, ये क्या है, करंट कैरिंग रिंग है, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इसको I1 मान लिया और यही क्या है एक्सिस ऑफ द क्या है
एक्सिस ऑफ द क्या है, ठीक है। अब इसके एक्सिस के अलोंग, मान लो इधर मैं कहीं भी लिख देता हूं, एक्सिस के अलोंग ये करंट कैरिंग वायर क्या है, ए बी रखा हुआ, ए बी जिसमें करंट कितना है, आई टू फ्लो है। तो मैं करंट नहीं लिख रहा, फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर ए बी एज शोन इन द फिगर, क्या है, बस यही मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, ज्यादा कुछ मैं नहीं लिखूंगा। क्या है, फाइंड, यहां मैं लिख देता हूँ, इधर एक्स एक्सिस मान लेता हूँ और इधर क्या है वाई एक्सिस, यहां लिखेंगे फाइंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर ए बी एज शोन इन द, क्या होगा, इन द फिगर, ठीक है, क्या है, शोन इन द फिगर। अब क्या है, देखो ये भी पूछा जा सकता है, फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन क्या होगा, करंट कैरिंग सर्कुलर क्वाइल एंड करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, दोनों क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखो, तो अब मुझे क्या है, पहले यहाँ से देखो मुझे मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, तो आपको मालूम है कि करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, एक्सिस के अलोंग होता है। तो हम लिखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड, आई मीन बी इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट आई वन अपॉन टू पाई टू इंटू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा, इसका रेडियस हम मान लेते हैं क्या कि आर मान लेते हैं आर, ठीक है, आर स्क्वायर की पावर क्या होगा, थ्री बाई टू इंटू क्या होता है आर स्क्वायर, ये डायरेक्शन क्या मानेंगे हम, आई कैप, ठीक है। यहां से हमने मान लिया कि यहां से एक्स डिस्टेंस पे हमने एक dx एलिमेंट कंसीडर कर लिया, dx करंट एलिमेंट, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा यार इस पे, तो हम लिख सकते हैं, देखो db इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, i2 है ना, i2 dx, और देखो dx जो वेक्टर होगा उसका भी डायरेक्शन क्या होगा, इधर ही होगा है ना, क्या होगा, x एक्सिस के अलोंग, तो i2 dx क्रॉस b वेक्टर लिखें, और यहां हम यदि db लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, i2 dx क्रॉस i क्रॉस क्या होगा, i इंटू ये वैल्यू लिख दो, ठीक है, ये वैल्यू मैंने नहीं लिखा, इसको मैंने b नट मान लिया है ना, ये b नट है, तो देखो i क्रॉस i क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो इसलिए df आई मीन क्या हो जाएगा, db सॉरी हमने यहाँ db कैसे लिख दिया, df होगा, ये f लिखो है ना, fm, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेट कर दो, इसको भी इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, तो ये देखो i क्रॉस i क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एफ एम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड डीएल वेक्टर जो है वो क्या है, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमेशा याद रखना है कि किसी भी केस में, इस केस में क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, बिटवीन करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर एंड लूप जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन क्या होगा, करंट कैरिंग लूप एंड द करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द लूप विल बी ऑलवेज क्या होगा, जीरो। तो यहाँ देखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, क्लोज लूप पे ऑलवेज मैग्नेटिक फोर्स क्या था, जीरो था, लेकिन यहाँ कोई जरूरी नहीं है, जीरो भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो जीरो कब होगा हम देखेंगे कि जीरो कब होगा और नहीं कब होगा उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो आप ध्यान से एग्जाम्पल दे, तो यहाँ नोट में क्या लिखेंगे, when a current carrying wire, straight wire is placed along the axis of
ए करंट, करंट कैरिंग सर्कुलर क्वाइल, सर्कुलर क्वाइल, देन क्या होगा, देन मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन देम, बिटवीन देम विल बी क्या होगा, विल बी ऑलवेज, ऑलवेज क्या होगा, जीरो, ठीक है, क्या होगा, विल बी क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा, क्या होगा, ऑलवेज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और भी एग्जांपल देख सकते हो, देखो ध्यान से, यहाँ इस केस में के क्या है, एक सर्कुलर लूप दिया हुआ है, यहाँ क्या है, आई करंट फ्लो हो रहा है, आई वन, इसके सेंटर पे एक करंट आई टू रख दिया गया है इनफाइनाइट, ऐसे इस केस में भी क्या है, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन, देखो किसी के द्वारा भी मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करो तो यहाँ भी मैग्नेटिक फोर्स क्या है, जीरो हो गया, क्या हो गया, यहाँ भी मैग्नेटिक फोर्स क्या हो गया, जीरो हो जाएगा, समझ में आया ना। तो यहाँ भी एफ एम क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एंड क्या होगा, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यही सेम केस हुआ। दूसरा और एग्जाम्पल देख सकते हो, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, देखो ध्यान से, यहां देखो किस केस, ये आई वन, आई वन, यहां भी इसके सेंटर पे एक आई टू रखते, यहां भी आपसे कोई पूछे कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, इन दोनों के बीच तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा क्या होगा, एक्सिस के अलोंग या इस वायर के द्वारा देखोगे तो क्या हो जाएगा, इस एक्सिस के अलोंग लाई करेगा, है ना, एक्सिस के अलोंग, तो यहाँ डीएल क्रॉस बी यहाँ भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इस केस में भी क्या होगा, डीएल क्रॉस बी जीरो हो जाएगा। और भी केस देख सकते हो यार, देखो ध्यान से, है ना, यहाँ आप देखोगे कि अगेन इसके सेंटर पे एक आई टू करंट रहा है, ये आई वन आई टू, आई वन आई टू, ठीक है, यहाँ भी देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा क्या होगा, आउट ऑफ द बोर्ड होगा, और यहाँ भी ये दोनों के बीच मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब मैंने ये बताया था तो ये समझ में आया कि मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ है इस केस में क्या है, दोनों के बीच क्या है, जीरो है। आगे हम देखेंगे, तो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, है ना, ये पूछा भी जाएगा, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि देखो ध्यान से, इसमें न्यूमेरिकली है, दूसरा नहीं कॉन्सेप्ट वही है कि ये क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, करंट कैरिंग वायर आई वन करंट है ना, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ठीक है, और इससे यहां से देखो क्या है, डी डिस्टेंस में ए वाला जो एंड है क्या है, डी है, ठीक है, एंड ए है, और ये क्या है, बी है, इसमें एक करंट फ्लो हो रहा है क्या, आई, ठीक है, इसमें आई टू मान लेते हैं, ये करंट कैरिंग वायर का जो लेंथ है क्या है, एल दिया, ये आपसे पूछा गया है कि फाइंड द फोर्स ऑन क्या होगा, करंट कैरिंग वायर ए बी, देखो ए बी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, तो सबसे पहले क्या है, आप एक्स डिस्टेंस पे डी एक्स एलिमेंट कंसिडर करो, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड लिखो, और फिर मैग्नेटिक फील्ड लिखने के बाद क्या करना है, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला यूज करना है, और आसानी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरा केस देखो ध्यान से, यहाँ तो यहाँ भी क्या है, फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स ऑन क्या होगा, करंट कैरिंग वायर ए बी एस शोन इन द फिगर, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, फाइंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर ए बी एज सोन इन द क्या होगा, इन द फिगर, ठीक है। अब देखो यहां करना क्या है, देखो यहां से इस पे भी हम निकाल सकते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ यूज कर देंगे, तो जितना ये इस पे फोर्स लगाएगा उतना ही क्या होगा, इस पे, यदि इक्विलिब्रियम में है तो। यहां देखो हमने क्या किया, यहां से x डिस्टेंस पे, यहां से देखो ध्यान से, x डिस्टेंस पे एक करंट एलिमेंट dx कंसीडर किया,
ठीक है, यहाँ जो मैग्नेटिक फोर्स होगा आप देख सकते हो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा इस पॉइंट पे, क्या होगा यहाँ कहीं भी मैग्नेटिक फोर्स होगा वो क्या होगा इनटू द बोर्ड होगा ना, इनटू द बोर्ड होगा, क्या होगा इनटू द बोर्ड होगा। अब यदि देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, क्या होगा इनटू द बोर्ड होगा। अब मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा आप बता सकते हो, देखो डीएल क्रॉस क्या हो जाएगा डीएल क्रॉस बी, तो यहाँ जो इस पे मैग्नेटिक फोर्स डी एफ एम किधर लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, किधर लगेगा मैग्नेटिक फोर्स इस पे वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो हमने क्या किया कि इससे एक्स डिस्टेंस पे एक डीएक्स करंट एलिमेंट कंसिडर किया। अब बी का जो वैल्यू होगा यदि आप वेक्टर फॉर्म में लिखो तो बी, क्योंकि डाउनवर्ड जो होता है हम क्या लेते हैं माइनस के कैप लिखते हैं, तो बी इज इक्वल टू क्या होगा म्यू नॉट, ठीक है, आई वन अपॉन टू पाई क्या हो जाएगा एक्स माइनस के कैप यदि मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ। और आई देखो तो आई डी एक्स वैक्टर जो होगा वो क्या होगा आई डी एक्स इंटू क्या हो जाएगा आई कैप हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इधर हमने मान लिया कि ये क्या एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये क्या हुआ जेड एक्सिस, ठीक है। अब मैग्नेटिक फोर्स जो होगा डी एफ एम इज इक्वल टू क्या होगा पहले वैल्यू लिखो क्या होगा आई है ना डी एक्स क्रॉस क्या हो जाएगा बी, तो म्यू आई टू डी एक्स आई क्रॉस बी का वैल्यू रख दो आई क्रॉस क्या हो गया माइनस के है ना इंटू म्यू नट आई वन अपॉन क्या होगा टू पाई क्या होगा एक्स, अब यहाँ लिखो म्यू नट आई वन आई टू अपॉन टू पाई, यही होगा ना आई क्रॉस के हो गया माइनस जे हो जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस जे हो जाएगा, तो ये क्या होगा डी एक्स अपॉन क्या होगा एक्स जे। देखो यहाँ भी मैंने बताया डी एफ एम का जो डायरेक्शन है क्या, देखो बी का डायरेक्शन अंदर है और डी एल का डायरेक्शन तो डी एल क्रॉस बी किधर होगा अप होगा, ठीक है, तो ये क्या हुआ डी एफ एम मालूम चल जाएगा, क्या होगा मालूम चल जाएगा। यहाँ मत बोल देना कि मैग्नेटिक फोर्स जो होगा इसके सेंटर पे ही लाई करेगा, नहीं मैग्नेटिक फोर्स सेंटर पे लाई नहीं करेगा, ठीक है, क्या है मैग्नेटिक फोर्स, अब ये जो वायर होगा वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा यार, है ना, इफ यू वांट टू मेक दैट वायर इन द इक्विलिब्रियम तो अपने को क्या होगा कहीं फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और फिर इसका टॉर्क इसके अबाउट ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके अबाउट इस फोर्स का टॉर्क लिख दो, ठीक है, और फिर तुमको मालूम चल जाएगा कि ये फोर्स हम कहाँ अप्लाई करें इसकी मैग्नीट्यूड का कि ये क्या हो जाए वायर जो हो क्या हो इक्विलिब्रियम में रहे, तो वैसे भी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स मिड पॉइंट पे यहाँ लाई नहीं करेगा, ठीक है, ये ध्यान देना है। तो यहाँ एफ एम इज इक्वल टू क्या होगा म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई या मैं जी टू पाई डी एक्स अपॉन एक्स, देखो एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या होगा डी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा एल प्लस डी, तो डी टू क्या लिखेंगे एल प्लस डी लिखेंगे, और इसको सिंप्लीफाई करोगे इधर लिख लो जे कैप, तो ये कितना हो जाएगा एफ एम वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा इक्वल टू म्यू नट आई वन आई टू अपॉन टू पाई है ना एल एन, ठीक है एल एन वन प्लस एल बाई क्या हुआ डी जे कैप, ठीक है वन प्लस एल बाई क्या हो गया डी, तो ये क्या हुआ तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स मालूम चलेगा। इतना ही मैग्नेटिक फोर्स ये वाला जो वायर होगा वो क्या होगा इस पे यूज करेगा बाई यूजिंग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन थर्ड लॉ, इक्वल एंड अपोजिट क्या होता है फोर्स लगता है, तो ये आपको क्या करना है माइंड में रखना है। इसमें बहुत सारे अभी क्वेश्चन है, बहुत सारे अभी हम तो SHM भी पढ़ेंगे यार, है ना, यहाँ भी SHM से रिलेटेड क्वेश्चन आता है जो पता नहीं मैंने आप लोगों को बताया था या नहीं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्या होगा इस केस में, ये रिजल्ट क्या करो तुम याद कर जाना है ना ये रिजल्ट, क्योंकि बाद में मैं यहाँ एक लूप रख दूंगा तो ये तुमको मालूम होना चाहिए FM का ये रिजल्ट याद कर जाना है। मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू क्या होगा म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई एल एन, ठीक है वन प्लस एल बाई क्या हो जाएगा डी, ये रिजल्ट जो है वो याद कर जाना, ठीक है।
ये आपको क्या करना है, ध्यान देना है। उसके बाद हम आते हैं कि यहाँ 1 एम्पियर भी हम डिफाइन करेंगे कि 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है। तो ये रहा कि अब क्या है कि मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन क्या होगा, टू इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग वायर। तो देखो क्या है, यहां एग्जांपल यही क्या है, एक्स एक्सिस और ये क्या हुआ एक्स डैश है ना, इनके बीच ये क्या है देखो, ये दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर, ये I1 मान लो और ये क्या है I2, ये पैरेलल है ठीक है। इनके बीच सेपरेशन क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ। ये फिगर क्या हो गया, ये हो गया। दूसरा फिगर मैं ड्रॉ कर देता हूं आपको। दोनों केस में क्या है, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपको फाइंड आउट करना है ठीक है। एक और यहाँ फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, देखो ध्यान से, ये भी है, अब पूरा बोर्ड आ गया है ना, जाने दो कोई नहीं ठीक है। इधर करंट क्या है I1 और इधर क्या है I2। यहाँ क्या है, करंट जो है क्या है I1 I2। अगेन ये क्या है, दिस इज एक्स डैश और दिस इज एक्स, इनके बीच सेपरेशन क्या है, डी दिया। ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है ना, आई मीन ये प्लस ये माइनस, ये प्लस सॉरी ये माइनस और ये प्लस, ये भी क्या हो गया प्लस और दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस ठीक है। ये क्या हुआ फिगर भी। तो आपको क्या करना है, फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन द टू वायर्स एज शोन इन द फिगर ए एंड बी। समझ में आया ना क्वेश्चन, समझ में आया कि फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर एज शोन इन द फिगर ए एंड फिगर बी ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, आप इसको नोट कर लेना ठीक है। फिर तो यहां आपको देखना है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन समझ में आया कि दो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, उनको पैरेलली है ना एट ए डिस्टेंस डी पे क्या है रखा गया है। एक में क्या है, दोनों में, एक फिगर ए में क्या है, दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। फिगर बी में क्या है, दोनों में करंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो एक में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा और दूसरे में क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा ठीक है। तो बाद में हम लिखेंगे कि कब अट्रैक्टिव लगेगा कब रिपल्सिव लगेगा, ये रटना नहीं है यार, समझना है ना, ऐसा नहीं है कि इसको रट जाना है ठीक है। अगेन क्या है, देखो यहां भी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिया हुआ है, तो एक के एक किसी वायर के द्वारा हम मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स लिखेंगे। पहले फील्ड लिखेंगे और देन क्या लिखेंगे, फोर्स, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड खुद से आपको क्या करना है, लिखना है। तो बोलोगे सर क्या मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद रखना है, ऑफकोर्स याद रखना चाहिए है ना, नहीं तो फिर तुम डिराइव कर सकते हो, मिस्टर डेरिवेटिव बन सकते हो या मिसेस डेरिवेटिव है ना, ऐसे भी तुम कर सकते हो ठीक है, लेकिन फॉर्मूला क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। फिर बाद में यहाँ SHM भी हम पढ़ेंगे, एक थर्ड वायर को इधर रख देंगे और फिर इसको बोलेंगे थोड़ा सा तुम लुढ़क जाओ इधर उधर है ना, और उसके बाद देखेंगे ठीक है। तो अभी क्या होगा, फिगर ए एंड फिगर बी, क्वेश्चंस क्रिस्टल क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि दो इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर पैरेलली डी डिस्टेंस पे रखा गया है, फिगर ए में दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और फिगर बी में दोनों में करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो आपको क्या करना है, फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू वायर्स पर यूनिट लेंथ इन केस ए एंड बी। क्वेश्चन समझ में आया ना, क्वेश्चन मैं लिख नहीं रहा हूं, अब हम समझते हैं। इसको हम वायर वन मान लेते हैं यार, इसको वायर वन कि आपको समझ में आए, इसको वायर टू, इसको वायर वन और इसको वायर टू। अब हमने मान लो कि हमने क्या किया, यहां यहां है ना करंट एलिमेंट आई क्या हुआ, आई आई टू डी एल टू कंसिडर कर लिया ठीक है। देखो तो इसके द्वारा इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा बता सकते हो, देखो तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अंदर होगा। इस पॉइंट पे हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा क्या होगा, बी वन, बी वन क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर वन, दिस इज नथिंग बट द क्या होगा, मैं दोनों तरह से बताता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड
ड्यू टू क्या होगा, ड्यू टू वायर वन, ठीक है। यहां देखो, यहां देखो ध्यान से, यहां जब देखोगे तो इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इस जगह क्या होगा, यहां जो होगा ए बी वन बी टू लिख देता हूं, देखो यहां डायरेक्शन लिखना चाहिए है ना, डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर वन, ठीक है। यहां देखो इसके द्वारा जब मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो किधर होगा, देखना है, देखो आउट होगा क्या, डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, तो डायरेक्शन ऑफ आई मीन बी टू, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्या होगा, ड्यू टू वायर टू, ठीक है। अब यार चलो यहां चेक कर लेते हैं, तो देखो तो यहां मैग्नेटिक फील्ड, इधर करंट घट, तो इधर क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, इधर, तो मैग्नेटिक फोर्स यहां यदि मैं देखूं, यहां बोल सकता हूं डी एफ, फोर्स ड्यू टू क्या होगा वन ऑन टू, तो इसको हम क्या लिखते हैं वन टू, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, समझ में आया ना, इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, तो ये वायर जो है इसको खींच रहा है ना, क्या कर रहा है, खींच रहा है। अब चलो इस पे देख लेते हैं यार, इधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर है, डीएल का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, तो इस पे भी फोर्स जो लगेगा वो किधर लगेगा, इधर लगेगा, तो इधर जो देखोगे डी एफ टू वन, फोर्स ड्यू टू टू ऑन वन, तो यहां क्या है, दोनों क्या है, फोर्स जो है क्या है, एट्रैक्टिव नेचर का लग रहा है, तो फोर्स क्या है, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू वायर्स क्या होगा, एट्रैक्टिव नेचर का होगा, तो क्या होगा, व्हेन टू करंट कैरिंग पैरेलल वायर आर, व्हेन टू करंट कैरिंग पैरेलल वायर आर प्लेस्ड एट ए डी अवे एंड इफ द करंट इन बोथ द वायर इज फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन देन द फोर्स बिटवीन देम विल बी ऑलवेज एट्रैक्टिव इन नेचर, तो यहां क्या हो रहा है, फोर्स क्या हो रहा है, एट्रैक्टिव नेचर का हो रहा है, तो फोर्स आई मीन मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स क्या है, इज एट्रैक्टिव, एट्रैक्टिव इन क्या होगा, इन नेचर, ठीक है। बाद में हम फोर्स पर यूनिट लेंथ लिखते हैं, है ना। अब आओ हम यहां देखते हैं इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड यहां होगा ये किधर होगा, अगेन देखो यहां इस पॉइंट पे, यहां अगेन डीएल टू डायरेक्शन हमने कंसीडर कर लिया, इसका डायरेक्शन किधर है, डाउन है, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यदि यहां देखोगे तो अगेन मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बी वन आई मीन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्या है, वायर वन, यहां देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड यहां भी क्या है, इस पॉइंट पे देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी टू किधर है, अंदर है। अब यहां आप मैग्नेटिक फोर्स देखो, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर है, किधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो डीएल क्रॉस बी कैलकुलेट करोगे तो इधर फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, तो यहां हम बोल सकते हैं डी एफ वन टू किधर लग रहा है, आउटवर्ड, यहां भी आप देखोगे तो इस एलिमेंट पे आई मीन यहां एलिमेंट कंसिडर कर लो तो इस पे भी डी एफ टू जो होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड, टू एफ एफ वन टू एफ टू वन, ठीक है। इस केस में क्या है, मैग्नेटिक फोर्स क्या है, तो जब क्या है करंट दोनों डायरेक्शन, दोनों वायर में सेम डायरेक्शन में हो तो क्या है, आई मीन पैरेलल करंट अट्रैक्ट ईच अदर, एंटी पैरेलल क्या होगा, करंट रिपेल ईच अदर, सिंपल याद रखना है, सिंपल, पैरेलल करंट अट्रैक्ट ईच अदर, एंटी पैरेलल करंट रिपेल ईच अदर, यदि सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो अट्रैक्ट करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो रिपेल करेगा। अब फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होगा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहां क्या है, तो यहां अपने को मालूम क्या चल जाएगा, इस केस में क्या है, मैग्नेटिक फोर्स जो होगा क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स इज क्या होगा, रिपल्सिव, रिपल्सिव इन क्या होगा, इन नेचर, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव, दोनों में मैग्नीट्यूड फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होगा वो क्या होगा, सेम ही होगा दोनों में जो होगा, तो एक मैं हटा देता हूं यहां से। अब देखो मैं यहां लिख रहा हूं, मैं यहां लिख रहा हूं मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट
करंट एलिमेंट एलिमेंट आई टू डी एल इज क्या होगा गिवन गिवन एज, देखो मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ डायरेक्शन नहीं लिख रहा हूँ है ना, तो डी एल इक्वल टू देखो तो डी एफ एम इज इक्वल टू क्या होगा क्या होगा आई टू डी एल इंटू क्रॉस क्या होगा बी वन यही होगा क्या, तो डी एफ एम इज इक्वल टू लिखे तो आई वन आई टू म्यू नेट अपॉन क्या होगा टू पाई डी यही होगा ना यार इंटू डी एल यही होगा। तो देखो यहाँ क्या हुआ मैग्नेटिक फोर्स से कई बार पूछा गया है तो डी एफ एम अपॉन डी एल इज इक्वल टू क्या होगा आई वन आई टू सॉरी म्यू नेट आई वन आई टू अपॉन क्या होगा टू पाई डी। तो मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ इन बोथ द केसेस फिगर केसेस ए एंड बी विल बी क्या होगा म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन क्या होगा टू पाई डी दिस इज नथिंग बट द क्या होगा मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स ठीक है पर यूनिट लेंथ पर यूनिट और दिस इज नथिंग बट द क्या होगा म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन क्या हो गया डी। तो यहां से ये इंपॉर्टेंट है कई बार पूछा गया है ठीक है यही से वन एम्पियर करंट का भी हम डेफिनेशन भी लिखते हैं। देखो यदि हम क्या करें इसको आई वन आई टू को वन कर दें वन एम्पियर डी को क्या रख दें डी को हम क्या रख दें वन मीटर रख दें और म्यू नॉट का वैल्यू रख दें तो टू इंटू टेन रेज टू माइनस सेवन आंसर आता है। तो यहाँ से करंट भी कि वेन टू करंट कैरिंग वायर वेन टू करंट कैरिंग वायर हैविंग करंट of 1 ampere in each is placed parallel to each other at a distance of kya hoga at a distance of 1 meter then force between them will be equal to kya hoga 2 into 10 raised to kya hoga minus 7 newton per meter force per unit length theek hai kya hoga force per unit length equal to kya hoga 2 into 10 raised to kya hoga minus 7 newton per meter। तो इसके अपोजिट हम रिवर्स कर देते हैं कि यदि दो करंट कैरिंग वायर है ना जिनमें करंट सेम फ्लो हो रहा है और उनको वन मीटर डिस्टेंस पे रखा गया एंड इफ द फोर्स बिटवीन देम फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन देम इज टू इंटू टेन इज टू माइनस सेवन न्यूटन पर मीटर देन द करंट फ्लोइंग इन बोथ द वायर इज कॉल्ड वन एम्पियर ठीक है। तो ऐसे भी हम क्या करते हैं डिफाइन करते हैं। तो यहां दो पॉइंट क्या करना है आपको लिखना है कि पैरेलल वायर जो होगा क्या होगा देखो एक मिनट ठीक है पैरेलल करंट कैरिंग वायर क्या लिखोगे पैरेलल पैरेलल करंट करंट कैरिंग कैरिंग वायर अट्रैक्ट ईच अदर ठीक है। जैसे देखो यहाँ ये पैरेलल हुआ है ना ये आई वन हुआ और ये क्या होगा आई टू तो एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे ठीक है। दूसरा पॉइंट याद रखना है एंटी पैरेलल करंट कैरिंग वायर एंटी पैरेलल करंट कैरिंग वायर रिपेल ईच अदर रिपेल ईच अदर। यहां ध्यान देना है कि यदि पैरेलल वायर रखा हुआ है एंटी करंट है ना आई मीन करंट दोनों में क्या होना चाहिए अपोजिट फ्लो होना चाहिए तभी एंटी पैरेलल। तो यहाँ जो इस पर फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा इधर लगेगा है ना और इधर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा इधर लगेगा ठीक है।
तो मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ याद रखना है टू म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन क्या होगा, कभी कभी क्या है इसका डायमेंशन पूछ दिया है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एग्जाम में, इसका डायमेंशन बताओ यार, तो इसका डायमेंशन के लिए आपको इसका डायमेंशन याद होना चाहिए, लेकिन बेटर क्या है इसका डायमेंशन याद रखो कि फोर्स अपॉन लेंथ का क्या हो जाएगा यार, एम टी माइनस क्या हो जाएगा, सिंपल टू हो जाएगा, क्योंकि एम एल टी माइनस टू होता है, एल एल कैंसिल हो जाएगा। तो कभी कभी भी एग्जाम में पूछा गया है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई डी, टू पाई जो है वो क्या है डायमेंशन लेस होता है, डी लेंथ हुआ आई वन। अब इसके लिए आपको इसका डायमेंशन याद रखना पड़ेगा, नहीं तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो थोड़ा सा लेंदी होगा। तो बेटर है यदि आपको फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला मालूम है तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, इसका डायमेंशन वन स्टेप में लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद अभी हम क्या पढ़ेंगे, एक और पॉइंट मैं बता देता हूँ आपको, तो कि वन एम्पियर करंट हम कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो या यहाँ से तुम खुद से भी लिख सकते हो यार, है ना। देखो यहाँ क्या होगा, मैं सिंपल बता देता हूँ यहाँ कि डेफिनेशन ऑफ वन एम्पियर, डेफिनेशन ऑफ वन एम्पियर, ठीक है। ये पैरेलल देखो यहाँ ध्यान से, इनको क्या है आई, इसमें भी आई फ्लो हो रहा है और इनको क्या है वन मीटर पे रख दिया गया, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, समझ में आया ना। ये देखो इफ द टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हैविंग सेम करंट आई, है ना, प्लेस पैरेलल, तो यहाँ लिख देता हूँ, चलो लिख भी देता हूँ कि इफ कि वेन टू, ऐसे लिख लो वेन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हैविंग सेम करेंट आई आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एट ए डिस्टेंस ऑफ, क्या होगा ईच अदर एट ए डिस्टेंस ऑफ वन मीटर अपार्ट एंड इफ फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन देम, इफ फोर्स पर यूनिट लेंथ length between them is, force per unit length between them is, force per unit length between them is 2 into 10 raised to minus 7 newton per meter, then the current in each wire is called 1 ampere। समझ में आया ना। तो दोनों वायर में जो करंट होता है वो क्या होता है 1 ampere होता है, बोर्ड के एग्जाम में जनरली पूछा जाता है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, तो इसके आगे जो क्वेश्चन होगा उसको हम कल क्लास में, बहुत सारे वेरिएशन है और भी इसमें है, अभी SHM से रिलेटेड भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लूप से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कभी कभी क्या होगा, जैसे देखना कि कभी कभी क्या होगा कि फोर्स जो होगा क्या होगा नेट फोर्स देखोगे तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, कोई जरूरी है कि क्लोज लूप जो है ये, आप इसको एक सीन देता हूँ, आप इसको प्रूव करना, एक एग्जाम्पल देता हूँ, इस पर ट्राई कर लेना और उसके बाद चलो होमवर्क मैं देता हूँ, आप इसे ट्राई करना, है ना। तो और फिर मैं इसको कल डिस्कस करूँगा, है ना, कि ये क्या है करंट कैरिंग ए आई, इसके पास यहाँ एक चलो स्क्वायर लूप ठीक है, ये फिगर ठीक है, उसके बाद दूसरा फिगर भी मैं बता देता हूँ, दूसरा फिगर
इधर क्या है आई टू है, सॉरी ये आई वन मान लेना, आई वन इधर, आई टू इधर, आई वन यार यहाँ डिस्टेंस मान लेना ये डी, यहाँ भी ये डिस्टेंस डी मान लेना, और अगेन इनका जो क्या है, अभी मैं करंट थोड़ा चेंज कर देता हूँ, तो आपको बताना है कि लूप जो होगा टुवर्ड द वायर मूव करेगा और अवे फ्रॉम द वायर एंड व्हाट इज द फोर्स, ठीक है। ये क्या हो गया, ये फिगर भी तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द क्या होगा लूप, है ना, और लूप क्या होगा टुवर्ड्स मूव करेगा और अवे मूव करेगा, इसको आपको बताना है कि टुवर्ड्स मूव करेगा या अवे मूव। अब देखो इस लूप पे मैग्नेटिक फोर्स निकालने के लिए है, क्या है सभी वायर पे क्या है मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ भी हमने बता दिया, इस पे ही बता दिया, तो आप खुद से क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो, ये देख लेना, ठीक है। बस आज की क्लास में इतना ही, इसके बाद और इससे कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे और फिर पढ़ेंगे टॉर्क।